हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर 2019। आज का करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज स्काई स्ट्रगल एजुकेशन को लाइक करें और ज्वाइन करें ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जानकारी मिलती रहे। प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे पहला संस्कृत शिलालेख कहाँ पाया गया? ये पाया गया केरल में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। यह महत्वपूर्ण खोज सप्त मातृका संप्रदाय के लिए सबसे पहला सबूत भी है। आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, NTPC 2022 तक 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए कितने करोड़ का निवेश किया? ये किया है 50,000 करोड़ का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ देखिए NTPC है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NTPC का चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया? ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय ने पहला विश्वविद्यालय खोला। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट ने बनवाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए? ये लगाए हैं पांच स्थलों पर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। ये 5 स्थान हैं, सारनाथ, चौकंडी स्तूप, कुशीनगर और महापरिनिर्वाण मंदिर, पिपहरवा और श्रावस्ती। देखिए यहाँ पर आया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माने ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ASI का प्रथम डायरेक्टर जनरल था। ASI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार कब तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी? ये करेगी 2024 तक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्र सरकार ऑल इंडिया रेडियो को 2024 तक डिजिटल करेगी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। 1956 में इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान किस देश से पोलियो मार्कर आयात करेगा? ये करेगा इंडिया से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अफगानिस्तान और नाइजीरिया के अलावा पाकिस्तान तीसरा देश है जहां पोलियो की महामारी आज भी मौजूद है। मार्कर का इस्तेमाल बच्चों को पोलियो की खुराक देने के बाद उनकी अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। पोलियो बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। भारत पूर्णतः पोलियो मुक्त देश है। भारत में अंतिम बार 2011 में पोलियो देखा गया। देखिए यहाँ पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 2019 को शहीद ऊधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? ये मनाई गई 120वीं जयंती। शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओडायर को मारकर बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में जनरल ओडायर की हत्या कर दी।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार कब तक सभी गांव में मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करेगा? ये करेगा मार्च 2020 तक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 25 दिसंबर 2019 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने डिजिटल विलेज गुरुवारा को लॉन्च किया। भारत सरकार 130,000 ग्राम पंचायत को भारत नेट से जोड़ेगा। भारत नेट का शुभारंभ 2011 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स का शुभारंभ कब किया? ये किया 25 दिसंबर 2019 को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे पर छत्तीसगढ़ रहा। सुशासन सूचकांक में उड़ीसा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश की सबसे खराब स्थिति रही। कृषि रैंकिंग में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। वाणिज्य और औद्योगिक रैंकिंग में दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड की स्थिति सबसे अच्छी रही। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में 2019 की सर्वश्रेष्ठ वॉच सूची में सबसे ऊपर है? यह है एप्पल कंपनी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 2019 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कितनी स्टैंडर्ड्स फ्लोर बसों को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई 100 बसों को, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है। बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकर्स, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। देखिए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी अभिनेता केविन स्पेसी का वादी मीन्स प्रतिद्वंद्वी अरिबेन ने कितने वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली? एक कर ली 47 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉर्वेजियन राजकुमारी मर्था लुइस का पूर्व पति अरिबेन ने 47 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कालका और शिमला स्टेशनों के बीच कौन सी ट्रेन शुरू की है? एक की है हिमदर्शन एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक गंगा प्रसाद विमल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये हो गया 80 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल तथा उनके दो परिजनों का दक्षिणी श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। 80 वर्षीय विमल परिवार के साथ श्रीलंका की निजी यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलीपींस में कौन सा टाइफून आया है? ये आया है फान फोन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की मुद्रा पेसो है, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है अभिनव लोहान ने, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिकेटर को बुद्धिमान क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया? ये किया गया है विराट कोहली को, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ईट राइट मेला के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, असोचैम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया है निरंजन हीरानंदनी को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। निरंजन हीरानंदनी बालकृष्णन गोयनका का स्थान लेंगे। देखिए, यहाँ पर असोचैम है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग साइंटिस्ट का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है के वासु ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ये दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।